हमारे साथ मौजूद हैं चाना क्षेत्र के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी। कुछ देर पहले अभी जो सीएम योगी से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की धर्मपत्नी ने बात की है, तो कुछ इनका भी नाम उसमें जिक्र वो कर रही थी। हम इनसे जानेंगे, जैसे कि वो बता रही थी कि कुछ बातें उनसे विधायक जी ने फ़ोन किया था इंस्पेक्टर को, इसमें कितनी सत्यता है, क्या है पूरी बात। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है, जी और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जी आपकी कोई बात इंस्पेक्टर से हुई थी, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी बोल रही है कि वो उस वक्त बाथरूम में थे तो उनकी धर्मपत्नी ने फ़ोन उठाया था और आपसे किसी प्रकरण में बात की थी। उनकी धर्मपत्नी से आज तक मेरी कोई भी बात नहीं हुई। काफ़ी समय होगा, मैंने तो आज तक बात हुई नहीं है। जब से मैं विधायक बना हूँ, उनकी धर्मपत्नी से कोई बात नहीं हुई आज तक। इंस्पेक्टर साहब से भी घटना से पहले से काफ़ी टाइम से मेरी कोई बात नहीं हुई है। जी, इंस्पेक्टर से भी मतलब इस दौरान अभी आपकी कोई बात नहीं हुई। हाँ, घटना से पहले कोई बात नहीं हुई। जी, तो ये जो प्रकरण जिस तरह से चल रहा है, तो इसमें जो आप प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे, प्रशासन का जो जिस तरह से रुख है, जो चल अब ये गोकस ही वहाँ हुई है, आप पहले बोल चुके हैं प्रशासन को आप फेलियर बता रहे थे, अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं? स्टैंड ये करते हैं, अब जो ये जा रहे हैं, यहाँ दबिश के दौरान गांव में जा रहे हैं, कई महिला इनकी ने बांह तोड़ दी। जी, कौन और से गांव के, कौन से गांव का है ये प्रकरण? कल नए बास में गया था मैं, जी महिला ने टूटे हुए दिखाई है बाएँ, और वो और रात को 12 बजे, जी और कोई भी महिला वो नहीं है उनके साथ। पुलिस जो है, पुरुष पुलिस ने ही उनके साथ में वारदात की है। और रात को 12-12 बजे जी बूढ़ी औरतें, बुढ़े और ये सबको साथ में पिटाई की है, जो कि बच्चों के साथ की है। ये इनकी ये दमनकारी जो नीति है सही नहीं है, ये कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो ये जो जिले में जो प्रशासनिक जो कार्रवाई जिस तरह से की जा रही है, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब ज्यादतियाँ की जा रही हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आपने सीएम योगी से बात करने की कोशिश करी इस बारे में? अब एमएलए नहीं हो, सीएम योगी जी के पास जाऊंगा, सब प्रकरणों को उनके सामने मैं रखूंगा। जी, तो आप क्या चाहते हैं, ये जो ये अधिकारी, चाहते हैं अधिकारी जो है, जो निर्दोष महिला हैं, जी बच्चे हैं, इनके साथ में इतना बड़ा अत्याचार नहीं करें। वो निर्दोष है, उनका क्या कसूर है जो उनके साथ में ये वारदात कर रहे सर, बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। इसमें, उनकी भी संलिप्तता जो सुनने में आ रही है, और जो शाना के जो नगर अध्यक्ष हैं वो भी भाजपा से हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? देखिए, अभी जांच चल रही है, एसआईटी की भी जांच चल रही है, रिपोर्ट आएंगी। क्या है सत्यता क्या नहीं है वो बाद में होगी। अभी तो जो है, जो वाका है उस समय का, तो ये गांव के, दोनों गांव के साधारण किसान गए थे, आमजन गए थे, जब ये झगड़ा हुआ है और इतना बवाल हुआ है। किसान गए थे, आमजन गए थे, जब ये झगड़ा हुआ है और इतना बवाल हुआ है। तो आप इन लोगों को निर्दोष मानते हैं? अब ये आन दी है, एसआईटी की रिपोर्ट आ जान दी है, जी, वहाँ में सब निकल कर आ जाएगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो एक क्योंकि बार रिपोर्ट तो इन्होंने जल्दबाजी में की है, अब जल्दबाजी में कितने नाम इन्होंने निर्दोष होकर रख लिए। तो जैसे कि आज सीएम योगी के सामने जो चर्चा चल रही थी, उसमें जो बात आई है कि आपका कोई किसी किसी तरह का वार्तालाप उनसे हुआ है, तो आप इस पे, आप इसका खंडन कर रहे हैं? हाँ, मेरी उनके मिसिस से कोई बात ना आपने हुई जी घटना से पहले, मेरी जो है इंस्पेक्टर साहब से भी कोई बात ना हुई थी, जी जो एसओ साहब है वहाँ के। तो हम माने कि दिसंबर में आपकी कोई बात नहीं हुई है? दिसंबर में, हाँ, महिला ने उनसे कोई बात नहीं हुई है। और और जो परिवार के लिए, और आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरी संवेदना है उस परिवार में से भी, वो एसओ है जो एक्सपायर हुए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो बात करी है, विधायक का साफ तौर पे कहना है कि इनकी इस पूरे प्रकरण में किसी भी तरह से ना ही तो कोई इंस्पेक्टर से बात हुई है और ना ही उनकी धर्मपत्नी से कोई बात हुई है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।